नमस्कार दोस्तों, जीके का फ्रेश ट्रिक में फिर से आप सभी को वेलकम करते हैं। आज का हमारा ट्रिक है, महाराष्ट्र के प्रमुख संत के नाम को कैसे ट्रिक से याद करेंगे। तो महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत हैं उसको याद रखने के लिए तुकाराम एक ज्ञानी है। तुकाराम नाम का समझिए कि एक कोई व्यक्ति है जो कि वो क्या है, एक ज्ञानी है। बस आपका जो है महाराष्ट्र में जो प्रमुख संत बैठे हैं उसका पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के आप रख दीजिएगा। तो इन सभी का अर्थ समझते, सबसे पहले समझते हैं तुका। तुक्का मतलब क्या होता है? तुक्का मतलब होता है दोस्तों तुकाराम। क्या होगा? तुकाराम। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर बात करते हैं राम, यहाँ राम है तो राम का अर्थ यहाँ पर क्या निकल के आएगा? रामदास। क्या होगा? रामदास। यहाँ देख रहे पा रहे राम। उसके बाद एक, एक का अर्थ यहाँ पर निकल के आएगा दोस्तों एकनाथ। क्या होगा? एकनाथ। नेक्स्ट है दोस्तों नौ, नेक्स्ट है दोस्तों ग्या। ग्या का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? ग्या का अर्थ है ज्ञानदेव, ज्ञानदेव। नेक्स्ट है दोस्तों नी, तो नी यानी कि नौ इसको लेते हैं हम लोग, न मतलब होगा नामदेव, नामदेव। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से संत मौजूद थे। तुकाराम जी थे, रामदास, एकनाथ, ज्ञानदेव और नामदेव, ये सब सारे जो व्यक्ति थे एक संत में गिने जाते थे, और वो भी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो है ना दोस्तों काफ़ी मज़ेदार ट्रिक। बस तुकाराम एक ज्ञानी है और महाराष्ट्र में जितने भी प्रमुख संत हैं पूरा का पूरा संत आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर और ट्रिक देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम अक्सर इस प्रकार से मज़ेदार मज़ेदार ट्रिक आपके लिए लाते रहते हैं और आपका जीके का और आसान बना देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कोई एक नई वीडियो के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ। यहाँ पर यह चीज़ समझ लीजिएगा, ज्ञानदेव जो थे वो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक थे। कहाँ पर थे? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते थे।